हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम प्लेस वैल्यू एंड एक्सपेंडेड फॉर्म देखेंगे डेसिमल्स के। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। जो यहाँ पे हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं देंगे वो हमें क्या करने होंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करने होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 0.6, इसे हम एक्सटेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। हमें पता है कि यहाँ से जो वैल्यू शुरू होती हैं पॉइंट के पहले वाली, वो किससे होती है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, ऐसे। और जो पॉइंट के बाद वैल्यू होती हैं वहाँ पे क्या होता है, वंस नहीं होता, टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड, ऐसे करके वैल्यू इस साइड से शुरू होती हैं, आगे साइड से। यहाँ पे क्या है, 0.96, 0.96 दे रखा है, तो ज़ीरो की वैल्यू तो ज़ीरो ही है। हमें यहाँ पे 96 के लिए क्या करना है, ऐसे लिखते हैं। देखिए ये क्या होगा, सबसे पहले ये देख लेते हैं, यहाँ पे करते हैं, यहाँ से ये कौन सी प्लेस पे हुआ, टेंथ, हंड्रेड, हंड्रेड प्लेस पे। इसका मतलब है सिक्स क्या होगा, हंड्रेड प्लेस पे अपॉन हंड्रेड। जब भी कोई हंड्रेड प्लेस पे, मीन्स का मतलब हंड्रेड मीन्स अप, इसके अपॉन में क्या आएगा, हंड्रेड। नाइन वंस प्लेस पे, ये फर्स्ट प्लेस पे, फर्स्ट प्लेस कौन सी होती है, टेंथ की। तो टेंथ के लिए क्या लिखेंगे, नाइन अपॉन टेन। और जो ज़ीरो है वो किस प्लेस पे, यहाँ पे डेसिमल के पहले है, इसका मतलब वंस प्लेस पे, तो ये सिर्फ ज़ीरो ही रहेगा। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी, 9 अपॉन 10 प्लस 6 अपॉन 100। बी क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड, 0.135, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्या हो गया, टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड, कौन सी प्लेस पे आया, थाउजेंड, तो इसको कैसे लिखेंगे, फाइव अपॉन थाउजेंड। ये हंड्रेड प्लेस पे है, थ्री अपॉन हंड्रेड। ये वन टेंथ प्लेस पे है तो इसके लिए वन अपॉन टेन। और ज़ीरो क्या है, वंस प्लेस पे है, तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो प्लस वन अपॉन टेन प्लस थ्री अपॉन हंड्रेड प्लस फाइव अपॉन थाउजेंड। थर्ड, 1.208, अब यहाँ देखते हैं कौन सी प्लेस पे हुआ, वन, टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड, ये कौन सी प्लेस पे आया, थाउजेंड, तो इसके लिए क्या लिखा, एट अपॉन थाउजेंड। ज़ीरो के लिए हंड्रेड प्लेस पे था तो क्या था, ज़ीरो अपॉन हंड्रेड। अब ज़ीरो अपॉन हंड्रेड करने पे हमारा क्या आ जाएगा, ज़ीरो ही आ जाएगा। ये वाला टेंथ प्लेस पे तो टू अपॉन टेंथ। अब वन जो है यहाँ पे वन प्लेस पे है तो इसके लिए क्या लिख दिया, वन। अब इसको ऐड करेंगे तो वन प्लस टू अपॉन टेन प्लस ज़ीरो, ज़ीरो अपॉन हंड्रेड भी लिख सकते हैं और ज़ीरो भी लिख सकते हैं, प्लस एट अपॉन थाउजेंड। ये हो गया हमारा आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, 4.27.003, इसके लिए क्या किया, ये कौन सी हो, थाउजेंड प्लेस पे, तो थ्री अपॉन थाउजेंड। ये किस प्लेस पे है, हंड्रेड प्लेस पे, तो ज़ीरो अपॉन हंड्रेड। ये टेंथ प्लेस पे, तो ज़ीरो अपॉन टेंथ। ये वंस प्लेस पे है तो सेवन। अब ये किस प्लेस पे, वंस टेंथ प्लेस पे था, तो क्या करते हैं, टू इंटू टेन इज इक्वल टू ट्वेंटी। और ये किस पे है, हंड्रेड,
तो क्या करते हैं, 2 × 10 इज इक्वल टू 20, और ये किस पे है, 100 प्लेस पे। तो क्या इसके लिए 4 × 100 इज इक्वल टू 400। अब कैसे लिखेंगे इसको, 400 प्लस 20 प्लस 7 प्लस 0/10, या फिर हम 0 लिख सकते हैं, 0/100 प्लस 3/1000। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। मीन्स जिस भी डेसिमल नंबर पे अंडरलाइन किया होगा वो उसको हमें क्या करना है, उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। फर्स्ट दे रखा है ए 6.07, इसमें 7 पे अंडरलाइन है। मीन्स हमें 7 की क्या करनी है, प्लेस वैल्यू बतानी है। तो हमें पता था, अभी हमने पहले क्वेश्चंस में एक्सपेंडेड फॉर्म में देखा था, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10th और 100th। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 7/100। बी देखते हैं, 18.24, इसमें किसकी प्लेस वैल्यू बतानी है, 2 की। तो ये कौन सी प्लेस से स्टार्ट होता है, पॉइंट के बाद, 10th, 100। तो ये कौन सी प्लेस पे है, 10th, की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 2/10। सी देखते हैं, इसमें लिखा है, ये है 4.36.005, इसमें किसकी प्लेस वैल्यू बतानी है हमें, 5 की। 5 देखिए, 1/10, 100, 1000, क्या होगी प्लेस वैल्यू, 5/1000। डी 3469 में 9 की प्लेस वैल्यू बतानी है, 0.18। अब यहाँ पे डेसिमल के पहले वाले नंबर की बतानी है, तो डेसिमल के पहले जो नंबर से स्टार्ट होते हैं कहाँ से होते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, ऐसे। तो डेसिमल के पहले 9 है, तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, वंस प्लेस है, तो मतलब 9 × 1, 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 9 × 1, मतलब वंस प्लेस पे था, तो कितना हो गया, 9 आंसर। ई 72.015, इसमें वंस की प्लेस वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद वाले नंबर हम काउंट करते हैं, किसमें करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, वो सॉरी टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड, तो कौन सी प्लेस पे आया, 100, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 1/100। एफ 11.126, इसमें 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है। 6 किस प्लेस पे है, 10th, 100th, 1000, तो किस प्लेस पे आया ये, 1000, क्या आएगा, 6/1000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। मतलब अभी हमने ये वाला जो पहले किया था, यहाँ पे हमने क्या किया था, एक्सपेंडेड फॉर्म किया था, इसको बड़ा करके लिखा था इसमें, अब हम क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, 90 + 6 + 3/10 + 9/100। अब शॉर्ट फॉर्म इसको हम ऐड करेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, 3/10 को पहले ये कर लेते हैं, 90 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 96 पॉइंट, अब ये यहाँ पे अपॉन में आ गया, इसका मीन्स है ये पॉइंट में आ गए के नंबर्स, इसको हम क्या लिखेंगे, 3/10 को 0.3, अब 9/100 को अब क्या आता है, 9, 0.9, ठीक, ये क्या हो गया हमारा आंसर। बी
900 प्लस 20 प्लस 9 प्लस 8 अपॉन 1000। अब यहाँ देखो, 9 इसको हमने ऐड कर लिया तो हमारा गया 9 2 9 पॉइंट। अब 8 अपॉन 1000 को अगर हम सॉल्व करेंगे, जैसे हमने पहले सीखा था, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, डिवाइड करके हम इसको फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे इसको डिवाइड करने पे कितना आएगा, 0.12 करेंगे। जैसे हमने पहले सीखा था, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, डिवाइड करके हम इसको फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे इसको डिवाइड करने पे कितना आएगा, 0.008। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो 1000 से 8 को डिवाइड करके देख लीजिएगा, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में वो बता रखा है कि कैसे डिवाइड करते हैं। हमारा ये आया, तो हमारे पॉइंट के पहले वाले नंबर्स तो ये हैं, पॉइंट के बाद वाले नंबर्स क्या आ गए, 008। ये हो गया हमारा आंसर। ये सिर्फ इसको सॉल्व करके था, ऊपर वाले को सॉल्व करके। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ गया, इस वाले पोर्शन को सॉल्व करके, 008। सी देखते हैं, 100 प्लस 70 प्लस 6 प्लस 8 अपॉन 10 प्लस 9 अपॉन 1000। इन सबको ऐड करेंगे, 170 और 6 को, तो कितना आएगा, 176। अब इस वाले पोर्शन को सॉल्व किया तो हमारा आ गया, 8 अपॉन 10 को सॉल्व करने पे आ गया 0.8। अब 9 अपॉन 1000 को सॉल्व करने पे कितना आएगा, 0.009। अब 0.009 को हम कैसे लिखेंगे, हमारा 8 तो पहले से लिखा है, अब यहाँ पे आप ऐसे चाहो तो कर सकते हो, 0.8 है और इसमें 0.009 को आप ऐसे चाहो तो ऐड कर सकते हो, तो कितना आ जाएगा, 809 पॉइंट में, तो हमारा क्या गया, 0.809। डी, 1000 प्लस 50 500 प्लस 9 अपॉन 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 1000। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म कैसे लिख लेंगे, 1509 पॉइंट। अब इसको सॉल्व किया तो आ गया हमारा 1, और इसको सॉल्व किया तो हमारे का 001, जैसे हमने ये वाला किया था, तो हमारा क्या आ जाएगा, 001.101। इन दोनों को सॉल्व करने पे अगर ऐसे नहीं हो पा रहा है तो क्या कर लेना, क्या कर लेंगे, इसको हम अलग से डिवाइड कर लेंगे, फिर हम ऐड कर लेंगे। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए हो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम लगे या कुछ क्वेश्चंस नहीं समझ में आए हो, कहीं पे डाउट हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।